हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चैनल जीनियस एक्सपर्ट और आज हम फिर एक नया क्वेश्चन के साथ आए हैं ठीक है, है? है, है? तो आपके सामने अब क्वेश्चन जो है आप रीड करेंगे हम रीड करके बता दे रहे हैं वैसे तो क्या है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फ्लास्क वॉज हीटेड फ्रॉम ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टू 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 ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस एट अटर प्रेशर ठीक है pressure constant volume, है है. तो हमारा वाला लगेगा. ठीक अब क्या लगेगा वो तो बाद में पता चलेगा चलिए इतना अंदाजा अभी हम लोग लगाए अब देखिए कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इफ जीरो पॉइंट वन डी एम क्यूब ऑफ एयर मेजर्ड एट 227 डिग्री सेल्सियस वाज एक्सहेल्ड एक्सपल्ड बाय द फ्लास्क एक फ्लास्क है ठीक है उसको हीट किया गया 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 227 डिग्री सेल्सियस पर और प्रेशर एकदम कांस्टेंट है प्रेशर चेंज नहीं हो रहा ठीक है तो हुआ क्या यहाँ पर आपको बताना है कि वॉल्यूम बताइए कितना होगा जब ये 0.1 डेसीमीटर क्यूब हम लोग एयर का क्या करेंगे मेजर करेंगे जब टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर वो जाएगा तो जो फ्लास्क है बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा जब वो उतना रिलीज करेगा एक्सपेल्ड हो जाएगा ठीक है एयर में उतना वो चला जाएगा ठीक है उड़ जाएगा ठीक है एक्सपेल्ड हो जाएगा गिवन लिख लेते हैं अपना गिवन क्या क्या है ठीक है तो गिवन हमें क्या क्या है लिखते हैं गिवन है हमें यहां पर कि पहला तो हमें वॉल्यूम अच्छा यहां पे हम ले लेते हैं लेट सपोज हमारा जो वॉल्यूम है लेट वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क बी कुछ भी ले लेते हैं जैसे वी डीएम सेंटीमीटर क्यूब ठीक अच्छा डीएम क्यूब मतलब तो डीएम में ही दे रखा है डेसीमीटर में तो वही ले लिए हम लोग ठीक है अच्छा आप नहीं भी लीजिएगा तो भी बनेगा बाद में आप मान लीजिएगा ठीक है कि हमारा एक्स है ये हमारा वी है वॉल्यूम लास्ट में मान लीजिएगा पहले नहीं पता चल रहा है तो ठीक है तो अब यहाँ पे हमें सॉल्व करते करते पता चलेगा ना कि हमें क्या निकालना है क्या मानना है ठीक है तो यहां से देखिए आपको पहले तो हमें वी वन निकाल ले लेंगे वी वन वी क्यूब ठीक है अच्छा अगर हम मान लीजिए ये भी नहीं लिखते क्योंकि ये तो हम लिख दिए ना लेट लेकर अगर मान लीजिए आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे ऐसे छोड़ देंगे ठीक है अच्छा आप छोड़ना तो नहीं है वैसे बताएंगे अभी क्या कर रहे हैं तो देखिए आपका जो टेम्परेचर है कितना होगा टीवन टीवन है हमारा कि ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका टू ट्वेंटी सेवन तक गया है ठीक है तो मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे या माइनस करेंगे क्या करेंगे तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले तो हमारा टू सेवेंटी अच्छा ट्वेंटी सेवन हाँ तो ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस है उसको कैलविन में कन्वर्ट करेंगे आता है कन्वर्ट करना कन्वर्ट करना नहीं आता तो देखिए क्या होगा हमारा के इज इक्वल टू K इक्वल तो तू 273 प्लस डिग्री सी ठीक है सेंटीग्रेड तो ये है हमारा केल्विन में बदलने का या फिर केल्विन से, से सेल्सियस में करने का ठीक है तो यहाँ पे ये सेल्सियस में इसको केल्विन में चेंज करेंगे कैसे 273 ऐड करके 300 केल्विन हो जाएगा ये ठीक थ्री हंड्रेड कैलविन अच्छा इसको अच्छे से लिखते हैं थ्री हंड्रेड ठीक है तो थ्री हंड्रेड कैलविन हो गया अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे दूसरे वाले को भी निकाल लेंगे टी टू कितना है हमें टू टू दे रखा था टू टू सेवन इसमें हम ये इतना जोड़ देंगे तो टेन वन कैरी नाइन वन टेन वन फोर वन फाइव फाइव हंड्रेड कैलविन ठीक है तो समझ गए इतना समझ में आ रहा होगा ना फाइव हंड्रेड कैल अब दूसरा जो है मैं वॉल्यूम लिखना है वी टू कंपेरिजन तो ऐसे ही ना होता है दूसरा लिखेंगे नहीं तो कैसे होगा तो वी टू लिख लेंगे अच्छा अब यहाँ पे दे रखा है कि आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इफ ऑफ पॉइंट वन एट 227 डिग्री सेल्सियस ये वाला 227 डिग्री सेल्सियस वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द फ्लास्क ठीक है समझ में आ रहा है तो कितना एक्सपेल्ड किए हैं हम वो पता होगा हमें तभी तो हम इसमें क्या करेंगे वो उसको तो उतना जोड़ पाएंगे ठीक है मतलब इतना से इतना हुआ देखिए यहाँ पे सिंपल से समझना है आपको कितना से कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ देखिए यहाँ पे आपको वाटर है इतना समझ रहे हैं ना कंटेनर में वाटर है वेसल में वाटर है एच टू अब इसको देखिए क्या करेंगे हम इसको हीट करेंगे हीट करेंगे हीट किए हीट करने पे कुछ वाटर वेपर बनकर ऊपर उड़ गया ठीक है वाटर वेपर बनकर अपना स्टीम बन के उड़ गया अब क्या हुआ इसमें आपका जो है वॉल्यूम मान लो वी था ठीक है वी था और ये हम टू सेवन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस पे रखें यानी कि हंड्रेड केलविन पे रखे उसको चेंज कर लिए तो बेसिकली 300 हंड्रेड पे रखे तो हमारा मान लो वी था मतलब इतना स्टेट पे ऑलरेडी था हीट उस वक्त हम नहीं कर रहे थे चलिए हीट नहीं कर रहे हीट हम लोग जब किए तो हीट करने के बाद वो जो 300 था वो 500 में बदल गया मतलब क्या बढ़ गया इंक्रीज हुआ बढ़ गया इतना फाइव हंड्रेड में ठीक है बढ़ लेने के बाद यहाँ पे आपका कितना वॉल्यूम देखिए इतना था अब इसमें क्या हुआ कितना उड़ा हमारा उड़कर हमारा यानी कि वाटर वेपर बनके कितना उड़ा जीरो पॉइंट वन डेसीमीटर क्यूब अब इतना उड़ गया तो हमें जो है यहाँ पर बताना है वही कि बताइए कि जो वॉल्यूम है फर्स्ट में ही मतलब हमारा जीरो पॉइंट वन डेसीमीटर क्यूब उड़ा था यानी कि वाटर वेपर बनके उतना चला गया तो दूसरा जो है हमारा कितना हमारे पास है वॉल्यूम तो पहला जो था उसमें हम दूसरे को क्या करेंगे जोड़ देंगे दूसरे को जोड़ देंगे जितना उड़ा हमारा तो वो क्या हो जाएगा हमारा उतना वाटर था ऑब्वियसली सी बात है हम 50 एम वाटर ले लिए उसमें से हमारा 20 एम वाटर बचा ठीक है बचा अब हम पूछेंगे कि बताइए कि इसमें से आपका थर्टी एम एल वाटर क्या हुआ यानी कि वेपर बनकर उड़ गया अब हमको जो है ये नहीं पता है ये हम मान लिए v है या x है ऐसा कुछ ठीक है अब हमें पूछ रहा है कि बताइए कि कितना एम एल ऑफ वाटर जो है हमारा इस कंटेनर के अंदर था तो अभी हमारा जब हम हीट किए तो हीट करने के बाद ट्वेंटी एम एल हमारे पास बचा और वेपर बन के कितना गया थर्टी एम एल तो हम इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो फिफ्टी एम एल फिफ्टी एम एल हमें वापस मिल गया ना मतलब कंटेनर के अंदर पानी कितना था फिफ्टी एम एल ठीक है समझ पा रहे ना इतना तो वही काम तो हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं कौन सा आपका कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। क्या करना है हमें पहले हम वी मान लिए ठीक है वी मान लिए और हम क्या किए कि पहले इसको V मान लिए ठीक है अब V मानने के बाद कितना हमारा वेपर बन के उड़ गया था ठीक है उतना हम जोड़ देंगे वापस हमें उतना ही पानी मिल जाएगा मिल जाएगा तो V तो प्लस जीरो पॉइंट वन ठीक है ठीक है इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा एक छोटा सा रफ डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको तभी बनेगा नहीं तो नहीं बन पाएगा ठीक है न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के होते हैं थोड़े से फिजिकली टाइप में सोचना पड़ता है ये अगर बॉल ऐसे गिरा तो कैसे होगा क्या होगा ये सब सोचना पड़ता है प्रैक्टिकली ठीक है तो करने से होगा वरना नहीं हो पाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपका V2 इतना आ गया ठीक है तो ये सोच पा रहे है आप ठीक है एयर में एक्सपेल हो गया तो हमें उतना वापस जोड़ना भी तो पड़ेगा तभी तो हमें कंटेनर का पानी पता चलेगा कितना था ठीक है आई होप कि अब आपको क्लियर होगा इतना बात चलिए यहाँ पे आपको दे रखा है प्रेशर जो है हमारा प्रेशर हमारा कांस्टेंट है जब हमें लिख कर बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करके दे दिया है ठीक है प्रेशर इज कांस्टेंट आपको प्रिपेयर करके दे रखा है कि बिल्कुल आपको जो है फूड प्रिपेयर करके दे रखा है आपको बस खाना है ठीक है मतलब क्या यहाँ पे आपको प्रेशर दे चुका है कॉन्स्टेंट अब आपको समझना है कि कौन सा लॉ है ये ठीक है तो देखिए प्रेशर जहां पे कॉन्स्टेंट होता है वहां पे हम लगाते हैं चार्ल्स 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 लॉ 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 में क्या बोलते हैं देखिए सिंपल सा लॉ है देखिए लॉ में हमका क्या होगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है इसमें से हम टेम्परेचर को एक बार कॉन्स्टेंट कर दिए किसमें बॉइल्स लॉ में तो हमारा अब प्रेशर की बारी आई तो प्रेशर इस बार कॉन्स्टेंट होगा तो कौन सा लॉ चार्ल्स लॉ ठीक है क्लियर है इतना बात तो यहाँ पे आपका प्रेशर तो नहीं अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी वन बाई टी वन एक लिख सकते हैं ठीक है तो अब हम क्या कर लेंगे यहाँ से हमें निकालना है वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम निकालना है अच्छा किसका वॉल्यूम निकालना है वी वन निकालना है ठीक है ये तो हम माने हैं एक्स मान सकते हैं वी मान सकते हैं कुछ भी चलिए तो यहाँ पे हमें वी वन लिख लेंगे और v2 टू इंटू टी वन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कुछ नहीं और तो यहाँ पे v2 कितना है हमारे पास v प्लस जीरो पॉइंट वन और हमें t1 कितना है थ्री हंड्रेड और हमें t2 कितना है फाइव हंड्रेड तो दो, दो जीरो कैंसिल ऐसे हो गया ठीक है इसको क्या कर लेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे अदरवाइज और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं देखिए आएगा वी का फॉर्मूला ठीक है वी का फॉर्म लाएगा अच्छा यहाँ पे हम लोग वी ही माने है, तो वी में लिखेंगे क्योंकि वी हम लोग यहाँ पे माने हैं अच्छा अब ये सिंप्लीफाई होगा कैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा थ्री वी प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो पॉइंट थ्री ठीक है और बाय फाइव तो यहां से आपका क्या होगा फाइव वी ये फाइव क्या होगा ऊपर जाएगा फाइव वी इज इक्वल टू थ्री वी प्लस जीरो पॉइंट थ्री ठीक है अब ये इसका इधर आ जाएगा प्लस में इधर जाएगा माइनस में तो यहाँ पे माइनस थ्री भी तो यहाँ पे टू वी आ जाएगा टूल टू जीरो पॉइंट थ्री अच्छा तो यहाँ पे वी इज टू कितना जीरो पॉइंट थ्री बाय टू यहाँ से एक जीरो पे लग जाएगा अच्छा जीरो नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारा जो डिफिकल्टी होगा फिर तो हम यहाँ से लिखते हैं यहीं से वी इज टू वी टू जीरो पॉइंट थ्री टू डिवाइड कर लेंगे इसको बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट को भूल जाएंगे एक जीरो लगा देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा टू से टू जा टू वन कैरी पॉइंट लगाएंगे फाइव से ठीक है तो एक जीरो है चुकी हमारा तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा तो जीरो पॉइंट फिफ्टीन ठीक है यानी कि फिफ्टीन हम लोग नहीं बोलते हैं वन फाइव बोलते हैं तो जीरो पॉइंट वन फाइव आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब जो हमारा यूनिट चल रहा है वही चलेगा तो यहाँ से देर फोर वी इज इक्वल टू जीरो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द आइकन सो डेट की जो हमारी आगे की जो वीडियो है अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे ठीक है तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर Thank you so much.